ब्लॉक्स, और आप सबको बता ही होंगे कि ईडी लगाए गए थे जो हेमंत सोरेन के ऊपर, और हेमंत सोरेन ईडी जो लगाया गया है, तो अब हेमंत सोरेन का बयान आ रहा है कि वह नहीं आने के कारण अब वो अपना प्रतिनिधि जो है दूसरे के ऊपर सौंप रहे हैं, और इसके बारे में आप सबको ये बीटीएम में बने रहे और आप सबको कलों को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा है कि इसके पीछे भाजपा की कल्पना है और हेमंत सोरेन ने जोर देकर कहा कि इन अटकलों में रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है। निकट भविष्य में उनकी पत्नी के चुनाव लड़ने या फिर उन्हें बागडोर सौंपने की संभावना का पूरा तरह ताना बाना भाजपा ने ही बुना है। भाजपा ने ये झूठी कहानी गढ़ी है। झारखंड भाजपा की तरफ से इससे पहले हेमंत सोरेन को लेकर क्या खपरे घोटाले का जिसके सरकार पर आरोप और जिस पर खुद मुख्यमंत्री और माइनिंग मंत्री रहते लेने का आरोप हो वो कितने दिन तक कानून से बचेगा। आपने ईडी के साथ समन को दरकिनार कर दिया मुख्यमंत्री जी, लेकिन एक दिन कानून के हाथ तो अब तक पहुंच नहीं थे और शायद इनको इस बात का एहसास हो गया। कहते हैं ना कयामत की रात होती है जिस दिन ईश्वर आपके गुनाहों और आपके पुण्यों का फैसला करता है। मुख्यमंत्री जी के सरकार में सिर्फ गुनाह ही गुनाह भरे हुए हैं और इनको पता है इनकी इस भ्रष्ट सरकार का चाणक्य तय है, इसीलिए ये स्टॉप गैप अरेंजमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारा मानना है कि ये बेहद अफसोसजनक और दुर्भाग्यपूर्ण है कि मुख्यमंत्री जी बाकी वंशवादी राजकुमारों की तरह अपने परिजनों के अतिरिक्त किसी पर विश्वास नहीं करते। इनके भी तो अनेक आदिवासी विधायक है, आदिवासी मंत्री है, पर किसी पर इनको विश्वास नहीं। फिर से अपने ही किसी परिजन को मुख्यमंत्री बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये दिखाता है इनकी सच्चाई।